नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से आपने जीवन काल में बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताने वाले हैं, तो दोस्तों जो भी उन्हें नहीं सुन पाएगा दोस्तों वह सबसे बड़ा मूर्ख होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से यानी कि दोस्तों 4 जून से आप सभी के जीवन काल में आपको 5 बड़ी बहुत ही भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये खुशखबरी इतनी भयंकर होगी कि दोस्तों आपका घर परिवार सुनते ही खुशी से नाचने लगेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि 4 जून से आप सभी के जीवन काल में इतनी बड़ी भयंकर घटना होने वाली है कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में ये 5 बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आप सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं सुबह से, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में ये भयंकर योग का निर्माण हो चुका है और अब कुछ ही क्षणों में आपको ये भयंकर खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों समय बहुत ही कम है और बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों ध्यान लगाकर आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम दावा करते हैं कि जो भी भक्त आज के इस वीडियो को पूरे धन और मन से देख लेगा तो दोस्तों उनका जीवन काल खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। और जो ये खुशखबरी आपको भगवान सूर्यदेव देने वाले हैं, जो भगवान श्री विष्णु जी देने वाले हैं, दोस्तों सूर्यनारायण के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में अब शतशती योग का निर्माण होने वाले हैं। यानी कि दोस्तों 7 जन्मों में, यानी कि दोस्तों जो 7 जन्मों में भी आपको नहीं मिला वो कार्य आपके अब मिलने वाले हैं, वो कार्य अब आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको अब कुछ ही क्षणों में मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम संपूर्ण बात आपको गहरी तरीके से बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, आप इन्हें ध्यान से अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक सर्वप्रथम करें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों रोजाना राशिफल देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों आपकी राशि से जुड़े हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बहुत समय से दे रहे हैं, तो दोस्तों अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि लाखों की संख्या में लोग इस चैनल से जुड़े हैं। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों सर्वप्रथम आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय समय पर आपको आपकी राशि से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी आपको आज से यानी कि दोस्तों 4 जून से आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से शतशती युग का निर्माण होने वाले हैं, जो कि दोस्तों जब राहु और केतु अपने नीच भंग स्थान में आते हैं, जब उनके जीवन काल में किसी के जातक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है तो दोस्तों इस योग का निर्माण होता है। जी दोस्तों, और जिसके भी जीवन काल में शतशती योग का निर्माण हो जाए तो दोस्तों उनके जीवन काल में बड़ी बड़ी भयंकर खुशखबरी मिलती है। जी दोस्तों, और आपकी राशि के लिए आज से 5 बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जो कि दोस्तों सुनते ही आपके घर परिवार खुशियों से नाचने लगेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ बातों का ध्यान अब आपको रखना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, पिछले समय से आपको बहुत सारे मौके मिले हैं, बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी हुई है, लेकिन दोस्तों पिछले समय आपने जो गलतियां की है दोस्तों उन गलतियों को अब आपको नहीं दोहराना है और ना ही दोस्तों आपको किए हुए कार्य को दोबारा करना है। बस आपको आज के इस वीडियो में हम जो सावधानी बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं दोस्तों, उन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से और भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके लिए ये जो योग बने हैं दोस्तों आपके जीवन काल के लिए, और ये जो जून का महीना है इनके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। क्यों दोस्तों आज से जो आपके जीवन काल में ये योग का निर्माण हुआ है दोस्तों, पूरे जून माह में आपको मालामाल करते रहेंगे। जी दोस्तों, और 5 बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही आप भूल कर भी मिस ना करें और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए हम आपको बताते हैं कि कौन सा कार्य अब आपको
नहीं करना है। ये दोस्तों सर्वप्रथम आप सभी को बता दें कि पिछले समय दोस्तों आपने जो भी धन को लेकर आपके जीवन काल में परेशानी आई है, धन से जुड़ी जो भी आपके जीवन काल में संकट आए हैं दोस्तों, उन्हें आपको अपने ध्यान में अब रखना है। जी दोस्तों, नजायज पैसों का खर्च अब आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, कि दोस्तों आपके जीवन काल में बड़े परिवर्तन हो चुके हैं दोस्तों। ऐसे ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति सभी के जीवन काल में नहीं बनती है और दोस्तों ऐसे राज्यों का निर्माण सभी के जीवन काल में नहीं होते हैं। जी दोस्तों, अब आपको पैसे का जो खर्चा है वह सही जगह पर आपको करना होगा। तो दोस्तों इस बात को आपको भूल कर भी नज़रअंदाज आपको नहीं करना है। जी दोस्तों, सर्वप्रथम आपको पैसे का ख्याल रखना है कि जो जगह आपके पैसे के लिए सही है बस आप पैसा वहीं पर ही खर्च करें। जी दोस्तों, दूसरा और महत्वपूर्ण सावधानी है कि दोस्तों किसी पर भी अब आप आँख मूंद कर भरोसा ना करें। क्यों दोस्तों, आपने देखे हैं कि पिछले कई समय से आपको सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पर हुआ है जहाँ पर आपने आँख मूंद कर भरोसा किया है। चाहे दोस्तों वह आपके कारोबार का क्षेत्र हो या फिर कोई ऐसे रिश्तेदारों का भी क्षेत्र हो। जी दोस्तों, आप जिन पर भी आँख मूंद कर भरोसा करते हैं दोस्तों, वही लोग अंत में आपको धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों अब आपको ये गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी है। और दोस्तों अब आपको क्या करना है कि दोस्तों अब आपको भगवान के प्रति अपना श्रद्धा जगानी है। दोस्तों पिछले कई समय से आप अपने काम को लेकर इतना व्यस्त थे, पिछले कई समय से आप अपने काम में इतनी बिजी थे कि दोस्तों आपने भगवान के लिए भी समय नहीं निकाला है। इनसे भी दोस्तों आपसे भगवान रुष्ट हो गए हैं, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न नहीं हुई है, नाराज हो गई है। तो दोस्तों इन बातों का अब आपको ध्यान रखना है कि पैसे का सही जगह आपको इन्वेस्ट करना है, पैसे को सही जगह ही खर्च करना है। साथ ही आपको ईश्वर के ऊपर भी अब ध्यान रखना है, श्रद्धा के ऊपर आपको ज़्यादा विश्वास करना है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों जो भी लोग अपने जीवन काल में कुछ कर नहीं पाते, शिव ईश्वर के ऊपर अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, तो दोस्तों अनजाने से उनके जीवन काल में कोई गलती नहीं होती है। और दोस्तों जो भी खुशखबरी उन्हें मिलती है, उन्हें लगता है कि ये तो भगवान का चमत्कार है, क्योंकि दोस्तों उन्हें भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास रहता है। तो दोस्तों अवश्य आपको अपने जीवन काल में क्या करना है कि भगवान के ऊपर आपको अटूट विश्वास रखना है। जे दोस्तों, विश्वास की डोर आप कभी भी भगवान के ऊपर से ना तोड़ें। जे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सबसे पहला खुशखबरी जो जातक पढ़ाई के क्षेत्र में है दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिलने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आपके काम रुक गए थे दोस्तों, आपके कार्य अब पूरे होने वाले हैं, खुशियाँ आपके सामने आने वाली है। जे दोस्तों, जो लाभ आपको मिलेगा दोस्तों वह असीमित होगा, आपके लिए धन धान से बड़ा होगा, धन लाभ आपको ऐसे मिलेगा कि दोस्तों आप कभी अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप यह बात जरूर ही कहेंगे कि विधाता का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जी दोस्तों, जो खुशखबरी आपको शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाली है दोस्तों, यकीन मानिए आपके होश उड़ा कर रख देंगे। जी दोस्तों, ये खुशखबरी आपको रुला कर ही छोड़ेंगे कि दोस्तों आपकी अचानक से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य बनने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जे दोस्तों, और दूसरा जो खुशखबरी है दोस्तों, आपके कार्य क्षेत्र में मिलने वाली है। जो लोग कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, कार्य की शुरुआत करना चाहते थे, जिन लोगों का कार्य में रुकावटें आ रही थी दोस्तों, उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी और भयंकर खुशखबरी आने वाली है। आपके कार्यभार अब ऊंचाइयों को छूने वाला है। जी दोस्तों, जो भी कार्य में आपने पैसा लगाए हैं दोस्तों, वह कार्य अब दुगुनी तेजी से बढ़ने वाली है। जीवन काल में अटूट खुशियाँ अब आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये खुशखबरी घर परिवार में खुशियों का ऐसा माहौल लाएगा कि दोस्तों घर परिवार खुशी से झूमने वाले हैं। जी दोस्तों, ये बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपके कार्य क्षेत्र में आपके होश उड़ा कर रख देंगी। जी दोस्तों, ये अवसर आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान सूर्यदेव महाराज आपको देने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में अब किस्मत आपकी सूरज की तरह चमकने वाली है। जी दोस्तों, जीवन काल में आपने जो भी सपने सोचे हैं दोस्तों, वो आपको मिलने वाले हैं, वे सपने आपके सभी पूरे होने वाले हैं। रोजगार की तलाश जो भी लोग कर रहे थे दोस्तों, आपको अब आपका जो तलाश है वह खत्म होगा, आपको मन चाही नौकरी मिलने वाली है। जीवन काल में आपको हर क्षेत्र में परिवार का साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक स्थिति अब आपकी मजबूत होने वाली है। जीवन काल में जो भी परेशानियां आपको बहुत समय से चल रही थी कार्य क्षेत्र में दोस्तों, वे सारी परेशानियां समाप्त होंगी और स्थान परिवर्तन में आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेंगी।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी जगह स्थान परिवर्तन करने की सोच रहे थे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको लाभ मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, ये भी आपके लिए बहुत ही अचंभित खुशखबरी होगी जो कि आपको होश उड़ा कर रख देंगे। जी दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी कोई कार्य कर रहे थे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपकी अब वह प्रयास आपका सफल होने वाले हैं। जी दोस्तों, ये जून का माह आप सभी के लिए सफलता से भरा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपके जून काल में जो शतशती योग का निर्माण हुआ है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो लोग अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो लोगों के जीवन काल में संतान का योग नहीं बना था, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस महीने आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। संतान सुख के आपको इस महीने में योग भी बनने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखना है। ईश्वर के ऊपर आपको हमेशा इतनी श्रद्धा रखनी है कि दोस्तों आपको कभी भी ईश्वर के ऊपर भरोसा ना उठे। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितनी भी बड़ी संकट आपके जुनकाल में क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा रहना चाहिए दोस्तों। इतना आप ईश्वर पर विश्वास कीजिए। जी दोस्तों, साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें कि अगर आप संतान की तरफ से कोई तकलीफ में थे, संतान अगर आपको परेशान कर रहे थे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब संतान की तरफ से आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपके संतान किसी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके संतान के कार्य में अब पदोन्नति मिल सकती है। इससे घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। उनकी तरक्की को देखकर घर परिवार का जो माहौल होगा वो खुशियों में उच्चंबिक हो जाएगा। जी दोस्तों, बच्चों की तरक्की कैसे भी हो, साथ साथ आप सभी को बता दें कि बच्चों की जो भी तरक्की है वो माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू दे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यश में आप सभी के जुनकाल में भी कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है कि आप खुशी के आंसू रोएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, ये खुशी के आंसू आपको दिल से खुश करेंगे, जिनसे आप मन से प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगला जो खुशखबरी है वो आपके प्रेम संबंध को लेकर है। जी दोस्तों, प्रेम संबंध में जो भी रुकावटें आ रही थी, जो लोग प्रेम संबंध में किसी से प्रेम के चलते इजहार करना चाहते थे, प्रेम के चलते आपको एक संबंध बनाना चाहते थे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपका समय आ चुका है जब आपको सच्चा प्रेम मिलेगा। प्रेम में आपको सफलता मिलने वाली है और खुलकर आप इजहार भी कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में जो भी विवादें आ रही थी दोस्तों, वे सारी विवादें अब शांत होगी। अच्छे प्रस्ताव के भी योग बनेंगे। जो लोग विवाह में बहुत ही कष्ट झेल रहे थे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता देंगे, उन सभी के लिए खुशखबरी है। विवाह में आपके इशारे, जो भी कष्ट थे, जो भी रुकावटें थी, वो खत्म होंगी और विवाह की आपके योग अब आपके सामने आएंगे। और दोस्तों, ये जून का महीना आप सभी के लिए बहुत ही यादगार साबित होगा, कि दोस्तों यश में जो भी चर्चे आपके घर में चलेंगे, अच्छे विवाह से संबंधित प्रस्ताव भी आपके घर में आएंगे और एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव करने में आप सफल रहेंगे, जिनसे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जुनकाल में जो भी समस्याएं थी विवाह संबंध को लेकर, वे सारी समस्याएं दूर होने वाली है। दोस्तों, अगला जो खुशखबरी है आप सभी के लिए आपके स्वास्थ्य को लेकर, जिन लोगों को पिछले कई समय से जोड़ों में दर्द, घुटनों में परेशानी, पेट में दिक्कत और सर में दर्द की समस्या से जो लोग परेशान थे दोस्तों, उन सभी के लिए अब राहत भरी खुशखबरी मिलने वाली है। आपके सारे दुख, दर्द और पीड़ाएं अब समाप्त होने वाली है। घरों की जो स्थिति बनने वाली है दोस्तों, इनसे आपको हर कार्य को करने में एक अलग ही शक्ति मिलेगी, जिनसे आप समय पर हर कार्य को करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कभी भी आप ये काम ना करें कि कोई काम करने से पहले आप आलस कर दें। जी दोस्तों, अगर समय पर पानी पीना हो तो समय पर पानी पिए, समय पर दवाई लेना हो तो समय पर हर कार्य को करें। इनसे आपके सेहत में दुगुना सुधार होगा। जो लाभ की आप चाह रखते थे दोस्तों, ये सारे चाह पूरे होंगे और ऐसी स्थिति बन रही कि अब आपके स्वास्थ्य में बेहतर लाभ में देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों, आप सभी को बता दें कि शतशती नाम का जो शुभ योग का निर्माण है, इस जून महीने में आपके सारे दुख दर्द को दूर कर देंगे और जून काल में आपको सेहत को लेकर बहुत ही आप तंदुरुस्त रहेंगे, तरोताजा हमेशा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना है और साथ ही साथ दोस्तों, अपने खान पान को लेकर आप बिल्कुल ही सजग रहें। ज़्यादा तेलीय खाना खाने से बचें, फास्ट फूड और जंक फूड खाने से आप बचें दोस्तों, इनसे आपकी सेहत में जो लाभ की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। और दोस्तों, अगला जो खुशखबरी है, जो लोग पिछले कई समय से नया वाहन खरीदने की सोच रहे थे,
या फिर दोस्तों जो लोग की चाहती कि हम एक नया वाहन खरीदें, जो लोग अपने मन में ऐसे सपने सजा रहे थे कि हमारे भी जीवनकाल में काश एक वाहन होता तो हमारा जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाता। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवनकाल में वाहन के योग बन रहे हैं। इस महीने में आप नए वाहन की खरीदारी भी कर सकते हैं और समय भी आपके लिए बहुत ही शुभ है। इनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में हमेशा वृद्धि की मिलेगी। ये वाहन आपको हमेशा जीवनकाल में खुशियाँ ही देंगी। तो दोस्तों याद रखें कि जून के महीने में आपका जो भी वाहन को लेकर समस्याएं थी, अड़चने थी, तो दोस्तों वो दूर होंगी और आप सही समय पर सही वाहन का चुनाव भी करेंगे और सही वाहन भी आपको प्राप्त होगा। इनसे भी जीवनकाल में परिवार में खुशियों का माहौल आएगा और घर परिवार खुशियों में शराबोर रहेगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी जातक वाहन लेंगे तो दोस्तों सावधानी से ही वाहन चलाएं, कि दोस्तों सावधानी अगर आप रखेंगे तो घर परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस बात का ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले कई समय से बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो वाहन का शिकार हुए हैं, वाहन से उनको नुकसान हुआ है। तो सही समय पर आप इस बातों का भी ध्यान रखें सही तरीके से और हमेशा परिस्थिति को देखकर ही कार्य करें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपके लिए एक और बड़ी और भयंकर खुशखबरी यह है कि दोस्तों पिछले समय आप जिनको भी पेशा दिए थे और वह पेशा आपको अभी तक नहीं मिला था, या फिर जिनको भी आपने पेशा दिए थे वो पेशा आप भूल चुके हैं कि किसको आप पेशे दिए थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अचानक से आपको वो दिए पेशे आप वापस मिल सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी कि ये पेशे हमको मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अचानक से पेशे की प्राप्ति के भी योग बनेंगे और धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। जी दोस्तों, अगर आपके पेशे बैंक में फंस गए थे, किसी अधिकारी के पास आपके पेशे फंस गए थे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपके वे पेशे मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बशर्ते दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अपने कोशिश को आप जारी रखें, अपने वाणी पर मिठास रखें और कार्यों को करें। दोस्तों जीवनकाल में आपको हर एक कार्यों में सफलता मिलेगी। भगवान श्री विष्णु जी और भगवान सूर्यदेव महाराज आप सभी के साथ रहेंगे। जीवनकाल में जो भी परेशानी आएंगी वह पहले ही टल जाएंगी। तो दोस्तों हमेशा इन बातों का ध्यान रखिएगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यश में आपको गुस्सा करने से बचना है। जी दोस्तों, गुस्सा से आपके बहुत सारे काम बिगड़ जाते हैं। मन में आप हमेशा मधुरता रखें और नम्र व्यवहार आपको हमेशा कार्यों में सफलता दिलाएगा। इस बात को आप याद रखें, चाहे दोस्तों कोई भी क्षेत्र हो, आपको नम्र व्यवहार ही रखना है। जी दोस्तों, अन्यथा आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। जी दोस्तों, चाहे आपके कोई भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, जी दोस्तों अचानक से आपके सारे कार्य बदल जाएंगे। देखने में आपको लगेगा कि कोई कार्य हमारा पूरा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों यह जून के माह खत्म होते होते आपकी सारी आर्थिक स्थिति जो भी कमज़ोर थी वो मजबूत हो जाएंगी और सारी खुशियां आप सभी के जीवनकाल में मिलेंगी जिनकी आप पिछले समय सपना देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके कार्य किसी कानूनी पचड़े में पड़ गए थे दोस्तों, उनमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। उनमें भी आपका जो कार्य है वो आपके पक्ष में होगा, जिससे दोस्तों घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी अगर मामला चल रहा था तो दोस्तों उनमें शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं और ये परिणाम आपके पक्ष में होंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवनकाल में जो भी व्यक्ति पिछले कई समय से विदेश जाने की सोच रहे थे, नौकरियां करने की या फिर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, जो लोग इनकी सपना देख रहे थे, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपका वह सपना पूरा होने वाले हैं और आपका वह समय अब आ चुका है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि धर्म कर्म से जुड़े जो भी कार्य है, जो भी संस्था है, दोस्तों आप उनमें रुचि बनाएं। अगर आप सहमत हैं तो दोस्तों आप इस संस्थाओं में कुछ रुपयों का भी दान कर सकते हैं, कुछ अन्य धन का आप दान कर सकते हैं। दोस्तों इनसे आपके अच्छे कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर अपना कर्म के झंडा गाड़ेंगे, सफलता के झंडा गाड़ेंगे। तो दोस्तों इन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपने जीवनकाल में कभी भी आप कोई ऐसी गलती ना करें जिनसे आपको अपने से नीचे लोगों का अपमान हो जाए। जी दोस्तों, आप भूल कर भी इस गलती को ना करें, किसी का भी अपमान करने से बचें। दोस्तों इनसे भगवान शनिदेव प्रसन्न होती हैं और जो भी जातक अपने जीवनकाल में ऐसे कार्य करते हैं भगवान शनिदेव की कृपा हमेशा पाते हैं। जी दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आए हैं। और दोस्तों जो बात हमने आपको अंत में बताए हैं तो दोस्तों उनका ध्यान आपको रखना ही है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।